जालौन जिले में ओवरलोडिंग में लगे माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाले एक अधिकारी को परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दे डाली। इस घटना से आहत होकर पीड़ित सहायक परिवहन अधिकारी ने पुलिस से मामले की लिखित शिकायत करते हुए सुरक्षा मांगी है, लेकिन सहायक परिवहन अधिकारी द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र पर आज एक हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ओवरलोडिंग तथा बिना जरूरी प्रपत्रों के दौड़ रहे वाहनों पर कार्रवाई करने के विरोध में माफिया पहले अधिकारी को नौकरी खा जाने की धमकी दी, लेकिन अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं छोड़ा तो अधिकारी को परिवार सहित जान से मारने की धमकी तक दे डाली। दबंग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि सहायक परिवहन अधिकारी जालौन में तैनात है, जहां वो लगातार माफियाओं पर कार्रवाई करने के बाद चर्चाओं में है। फिलहाल इस घटना के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होगा? क्या योगी सरकार के दावे उतने सच नहीं जितना दिखाया जाता है? फिलहाल सूत्र ये भी बताते हैं कि माफियाओं को सत्ता दल के नेताओं को भी आशीर्वाद प्राप्त है। शायद यही कारण है कि जिले में बालू के अवैध खनन से लेकर सारे गैर कानूनी धंधे जोरों पर संचालित हैं। जबकि अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो उसे जान माल का खतरा बना रहता है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।